हर नारायण यज्ञ बलि के आ गए रे भाई यज्ञ बलि के आ गए। तीन पेंड का वचन भरा कर ब्रह्म लोक के मास किए। पावन रूप दा हर नारायण यज्ञ बलि के आ गए रे भाई यज्ञ बलि के आ गए। तीन पिंड का वचन करा कर ब्रह्म लोक पे मास किए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण पखाड़ लिए रे भाई प्रभु के चरण पखाड़ लिए। विष्णु चरण से गंगा निकली ब्रह्म कुंड में वास किए। कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। बोली गंगा महामैया की जय हो। केवे बावन रूप धार नारायण यज्ञ बलि के आ गए। अरे तीन पेंड का वचन बराकर ब्रह्म लोक पे मास किए। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। अरे विष्णु चरण से गंगा निकली ब्रह्म कुंड में वास किए। देव लोक में देव सरिता देवा के मन बा गई। अरे कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। जम्बू दीप आर्या भरत है भरत खंड भारत के माई। अरे कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। अब केवे दूसरो यज्ञ चालू कौन करे। दूसरो यज्ञ राजा सगड़ है वो चालू करे तो देखो किन प्रकार कवे। ओ सूर्य वंशी राजा सुगड़ ने यज्ञ असवे पूजन की नारे भाई यज्ञ असवे पूजन की ना। 60,000 पुत्र राजा के देशों में डंका दीना। अये 60,000 इंदर ने असवे छीना रे भाई इंदर ने असवे छीना। कपिल मुनि के आश्रम में जाई करे घोड़ा बांध गमन कीना। Oh,
बोले गंगा महामैया की जय हो। केवे सूर्य वंशी राजा सुगड़ ने यज्ञ अश्वे पूजन की ना, अरे 60,000 पुत्र राजा के देशों में डंका दीना। केवे राजा सुगड़ के दो रानियां ही, एक तो केसवी और एक सुकुनी। तो केवे वे दोनी रानियां भर्गुमुनि जी महाराज की सेवा चाकरी करती। तो भर्गुमुनि जी महाराज मां की सेवा के ऊपर प्रश्न उगार को मांगो क्यों थान काई चाहिए। हाँ जनाबा बड़ोड़ी रानी तो देख रखियो मन और कछु नहीं बावेर एक पुत्री मन बावे बावे और वह छोट की रानी जकी भगवान गुनो मांगई तो 60,000 पुत्र ही बनकियो भगवान मन 60,000 पुत्र चाहिए। अरे तो केवे भर्गुमुनि जी महाराज की एक रानी ने तो एक पुत्र दे दियो और भी दूसरी रानी ने 60,000 बीज को तुम्बी रूप को एक पिंड दे दिए। वाह वाह क्यों ये पिंड के माई ने 60,000 बीज है, एक एक गीखो गड़ो भर भी के माई एक एक बीज नागसी तो क्यों तन 60,000 पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो केवे एक एक गीखो गड़ो भर भी के माई ने क्यों भाई एक एक बीज ना क्यों जीव के भी के 60,000 पुत्र उत्पन्न होगा होगा। तो केवे गीखो दीपक की जलावा झुको के भी दिनों चालू योड़ो बतावे। अब बटीनों पे 60,000 ज्यादा होगा जनाब। एक रानी एक पुत्र मांगियो भी को नाव तो कटा दियो अश्वजस। अब बठीनु एक रानी का 60,000 पुत्र होगा। 60,000 की कोई बामन नाम कटावा की हमड़ी कौन भरे कौन भरे बताएंगे। अरे कता का नाम कटावे और ये 60,000 ज्यादा उगार के अन कोई काम लगावा तो काई काम लगावा। अरे क्यों भाई ठाको काम वही है के सबसे बड़ो धर्म वो ये के नित नियो कुओ खोद और थाका माता पिता ने पानी काट पाओ। वाह वाह जना कवे बा 60,000 कमाई नु पे आधा घामल भर ली के ओ काम तो मैं ही कर लिया रा आधा ते कोई दूसरे काम लगो। वाह जना वे नित नियो नियम बांध लियो के नित नियो कुओ खोदे रा आपका माता पिता ने पानी काट रा। वावे वावे एक दिन के बा कुआं कमाए बैठे बैठे ऊपर निंदा कर रखियो हे भगवान जे आ धरती ऊपर नु बराबर हो जाए जना जना केवे केता ही टाइम लागी पण के बिन बराबर होता टाइम ही कोन लागी कोन लागी आधा पे हाज का तो बकवाम दबर खत्म होगा। सूर्यवंशी राजा सुगड़ ने यज्ञ अश्व पूजन की ना, अरे 60,000 पुत्र राजा के देशों में डंका दीना। खोजत खोजत फौज पहुंची मुनि श्राप मिलो ताई, अरे कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। वह आज आग बचिया जो केवे वो यज्ञ को जो घोड़ो भी घोड़ान बटो छीन और कपिल मुनि जी महाराज सारे आपकी तपस्या के मैं बेटिया। तो केवे भी कपिल मुनि जी महाराज के पास लिवंड ले जा भी घोड़ान बांध दियो। अब केवे खोजत खोजत फौज पहुंची मुनि श्राप मिलो ताई, अरे बाप फौज ढूंढ वाला की भाई क्यों घोड़ो गियो गटो जार देखियो तो कभी कपिल मुनि जी महाराज के पास लिवंड को घोड़ो बंदरियो। वाह वाह जनाब कपिल मुनि जी महाराज ने जार कियो रे मोडा रात न तो करे चोरिया हर दिन में डांके मीच में लिए। अरे जना केवे कपिल मुनि जी महाराज आपकी तपस्या के मायनो भंग होगा और आपका नेत्र के मायनो इयान की अग्नि छोड़ी कबे आदाब तो बा कुवम दबर खत्म उगार वे आदाग बचा जगंगी सगला की बट राग होगी कर दी। अब एक रानी एक पुत्र मांगियो भी को नाम कटायो अश्वजस। अरे तो वो अश्वजस देखो बटका की मोक्ष करवा के वास्ते एक गंगा जी ने मृत्यु लोक में ल्यावा के वास्ते किन प्रकार तपस्या करे कई बात बन जावे। ओ जी अश्वजस के अश्वे मन भाई गंगा हे ततपे फन मेरे भाई गंगा हे ततपे फन में नर पदलीप बहुब भागीरथ भगत वेश धारियो तन में नर पदलीप बहुब भागीरथ भगत वेश धारियो तन में
ब्रह्मा विष्णु मनाई भागीरथ लाग गयो शिव पूजन मेरे भाई लाग गयो शिव पूजन में ब्रह्म लोक से गंगा उतरी रोष भरी कर जगन में शंकर ने ये जटा में तो गाली अरे शंकर ले तो जटा में गाली जटा शंकरी के लाई रे भाई जटा शंकरी के लाई कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई बोली गंगा महामैया की जय हो कहवे अश्व जस के अश्व मन गंगा हेत तपे बन में नर पतलीप भूप भागीरथ भगत बेश धारियो तन में कहवे वो अश्व जस हो जको गंगा जी लावा की तपस्या करी तो कहवे भी अश्व जस में गंगा जी को नहीं आया फिर कहवे भी अश्व जस का एक लड़को यो अश्व मन वो गंगा जी लावा की तपस्या करी तो कहवे भी गंगा जी को नहीं आया अश्व जस के अश्व मन गंगा हेत तपे बन में नरप दलीप भूप भागीरथ केवे राजा सुगड़ की पांचवी पीढ़ी के माए भागीरथ को जन्म हुए अब भागीरथ बा बड़गा की मोक्ष करवा के वास्ते ई गंगा जी लेवा के वास्ते तपस्या करे केवे ब्रह्मा विष्णु मनाई भागीरथ लाग गयो शिव पूजन में अरे ब्रह्म लोक से गंगा उतरी रोष भरी गरज गन में जना ब्रह्मा जी महाराज गंगा जी देख कर कियो क्यों थाको भगत भागीरथ है जो मृत्यु लोक के माई बटगा की मोक्ष करवा के वास्ते थान मृत्यु लोक में बुलावा के वास्ते क्यों तपस्या करे और क्यों थान मृत्यु लोक में जानो पड़सी जना गंगा जी देख कर कियो क्यों महाराज मैं मृत्यु लोक में जाऊं पण क्यों मैं जाऊं किया क्यों मारो वेग तो खतरनाक है कि मैं बार जासू तो क्यों पाताल में जाती रहूं नहीं तो कोई बंग काम और नहीं कोई थांग काम हो जना ब्रह्मा जी महाराज क्यों क्यों एक काम कर क्यों तू भगवान शंकर की तपस्या कर ताकि क्यों तन शंकर भगवान आपकी जटा कमाई निवास दे सके जना कवे गंगा जी भगवान शंकर की तपस्या करे तो कवे ब्रह्म लोक से गंगा उतरी रोष भरी गर्ज गन में शंकर ले जटा में गाली जना जटा शंकरी कहलाई अरे कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए हो जाए शंकर भगवान आज कभी गंगा जी ने आपकी जटा गमाई गादर बैठ गए जना भागीरथ जो को शंकर भगवान ने जार क्यों भगवान में आप भटका की मोक्ष करवा के वास्ते तपस्या करी थे जो जटा में गादर बैठ गए जना शंकर भगवान क्यों भाई भागीरथ क्यों गंगा जी थारे साथ में जा नहीं सके इको वेद तो इको वेग है जो तो खतरनाक है तू समा नहीं सके भागीरथ क्यों भगवान क्यों मन बटका की मोक्ष करनी और गंगा जी ने मारे साथ में ले जावा की क्यों कोई उपाय बता दे क्यों उपाय आई है कि आपने तीन लोग कमाई नहीं सौ बड़ी कुर्सी है जी की इंद्र भगवान की है और क्यों जो इंद्र भगवान को रथ है भी रथ की गति है बिना तेज गति का की गोली तो क्यों तन भागीरथ इंद्र भगवान की तपस्या कर और इंद्र भगवान को नहीं क्यों वो रथ प्राप्त करना पड़सी तो भी रथ के लारे रवाना और गंगा जी जाश कर नहीं तो
नहीं जा। तो केवे भागीरथ हो जो इंद्र भगवान की तपस्या कर विघ्न वो रथ प्राप्त करे। और कहीं देखो भगवान शंकर आपकी जटा के मायनो गंगा जी छोड़े और थोड़ी सी चाय बनी जरा जा जना कई बात बन जावे। होरत असवार हो गयो भागीरथ चाल रयो ओ जड़वाटा। मस्तक से गंगा निकली केला समय खरलाटा। शिव मस्तक से गंगा निकली केला समय खरलाटा। निर्मल समय गंगा जल धारा कोई जाए सुरग छीना। अंत समय गंगा जल हरिद्वार में हर की पेड़ी। हरिद्वार में हर की पेड़ी मोटा धाम थरपदी नारे भाई। मोटा धाम थरपेलीना साधु महात्मा ऋषि मुनि बटे राम कृष्ण मंदन की ना। सफल वो कर ली नरे भाई। जन्म सफल वो कर ली ना। अंत समय गंगा जल धारा कोई जाए सुरग छीना। जैन सिंह गंगा की महिमा। जैन सिंह गंगा की महिमा वेद पुराण संत गाई रे भाई। वेद पुराण संत गाई कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। बोली गंगा महामैया की जय हो। केवे रथ अश्वार हो गयो भागीरथ चाल रियो उजड़ बाटा। अरे शिव मस्तक से गंगा निकली केला सा में खरलाटा। निर्मल धार बहवे रथ पाचे हिमालय के माय हरलाटा। अरे अंत समय गंगा जल धारा बोई जाए सुरग छीना। अब भागीरथ के वे भी गंगा जी ने भी रथ के लारे रवाना तो कर ली पड़ गई। को कोई इष्टो भेजी तो करनो पड़सी। हाँ जना क्यों हरिद्वार के माय हर की पेड़ी मोटा दाम थरप दीना। अरे साधु महात्मा ऋषि मुनि बटे राम कृष्ण मंदन की ना। जो स्नान करे गंगा का जन्म सफल वो कर लीना। अंत समय गंगा जल धारा वो ही जाए स्वर्ग छीना। चैन सिंह गंगा की महिमा वेद पुराण संत गाई। अरे कथा सुन जो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। इस आपसों के वे भागीरथ है जो गंगा जिन मृत्यु लोक में लेर आवे। बोलो गंगा महामैया की जय।